आप सब। अभी शाम का टाइम 4:30 हो रहा है और आज मेरा एक ब्लॉग गया है सुबह में और शाम को मैंने सोचा कि चलिए कल के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो बस अभी जस्ट बैठी थी, कुछ काम मतलब चाय वाय एक बार हो चुका है, हम लोग का नहीं हुआ है, बाहर कोई आए थे तो उनके लिए मैंने कॉफी बनाई थी और दिया था। और पता है मेरा गीजर मतलब पिछले साल से खराब पड़ा हुआ है और आज फाइनली जाके 2-3 दिन पहले ही मतलब मिस्त्री को मैंने बुलाया था तो उसमें कुछ चीज थी, फंक्शन पता नहीं क्या था वो, जो जल चुका था तो अभी जस्ट मतलब वो लेकर आए हैं सामान को और लगा रहे हैं, क्योंकि पता है सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सुबह सुबह मुझे नहाना रहता है ठंडे पानी से, तो आप समझ सकती हो। और ऐसा नहीं है कि गीजर नहीं है, बाकी दोनों मतलब बाथरूम में गीजर है, लेकिन फिर भी बाल्टी में लेके जाओ लेकर आओ थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस वजह से मैंने बोला नहीं, सबसे पहला काम इसे ठीक कराना है। तो बस अभी बाथरूम में आपको दिख रहा होगा सीढ़ी लगा हुआ है और मिस्त्री आए हुए हैं, बस देख रहे हैं वो। और मेरा जो भी शाम का काम है अभी स्टार्ट हो चुका है, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क कर रहे हैं अपना बैठे हुए हैं। गुड हाय कह रही है। और मेरा पता है कपड़ा मैं लेकर आई थी बाहर से, बस अभी रखी हुई है यहीं पे, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था फोल्ड करने का, मैंने बोला चलो आराम से करती हूँ, क्योंकि पता है ऐसा होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि एकदम शांति से हो, तो अभी किचन में जाऊंगी चाय वाय दूंगी। और पता है मुझे थोड़ी सी भूख जैसी लगी है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं, देखती हूँ कुछ बनाऊंगी तो जरूर, क्योंकि भूख लगी है तेज और भूख लगती है। तो अब पता है मैं आई थी अनार, मतलब मुझे लगा था कि अनार है काटूंगी और बच्चों को भी दूंगी खुद खाऊंगी, लेकिन था ही नहीं, बच्चे खा के खत्म कर दिए। मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि उस रूम में मिस्त्री अभी कुछ काम कर रहे हैं। तो अभी पता है अभी मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये जो दिन होता है ना बहुत अच्छा था, आपको दिख रहा है शायद नहीं, कैमरे के ऊपर आ रही है, जो दिन ढलता है ना तो मतलब बहुत मतलब अच्छा लगता है, एकदम अजीब सा मतलब मौसम हो जाता है, एकदम बिल्कुल रेड रेड जैसा और अच्छा लगता है। तो अभी कब से सोच रही हूँ कि क्या बनूँ, तो मैं सोच रही हूँ चिल्ला बनाती हूँ, आज चलते हैं, क्योंकि बेसन मेरे घर का है और सारी चीज़ें दिख रही हैं। हालांकि मैं दही नहीं जमाई थी तो मैंने पहले सोचा कि चलो ढोकला बना लेती हूँ, क्योंकि ढोकला बहुत ईजी रहता है माइक्रोवेव में, लेकिन चिल्ला बनाऊंगी। और आज इन लोग का, तीनों लोगों का खाना बाहर है रात का, तो रात के खाने का कोई टेंशन है नहीं, चिल्ला बनाऊंगी उसके बाद देखते हैं रात में क्या बनता है क्या नहीं, अभी वो तो बहुत लंबी बात है। तो बस अभी चलते हैं किचन में, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, 5 से 10 मिनट बाद जाऊंगी उसके बाद यहाँ पे। और पता है आज हुआ क्या है, 3 मतलब बॉल बच्चे इस साइड मतलब पीछे यहाँ पे ग्राउंड के पीछे फेंक चुके थे और मेट से मेरे बोले ना कि आंटी प्लीज आप निकाल दीजिए, तो वो लेकर आए। उसके बाद फिर यहाँ पे जहाँ गैराज है हमारा उसके ऊपर इन लोगों ने फेंक दिया तीनों बॉल, उसके ऊपर उन लोगों को चढ़ाया, उसके बाद बॉल उतरवाए हैं ये लोग और खेले हैं मस्ती से एकदम। होता भी है बच्चे हैं थोड़ा सा तो खेला मला होता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोग। बैठे बैठे शाम हो गई और पता है मैं एक यहाँ पे टी शर्ट है जो कि ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था भाभी ने, तो वो थोड़ी देर पहले आया है और पता है बहुत अच्छा है, लेकिन साइज इसका थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया है, डबल एक्सेल है ये। भाभी ने दरअसल जो उनके भाई यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ऑर्डर किया था और बहुत ही अच्छा आया हुआ है कपड़ा, लेकिन बहुत ही रिजनेबल प्राइस भी है, सबसे बड़ी बात ये है। और तो मैं पहन के मैं बोल रही थी ना कि भाभी थोड़ा ज्यादा ही पड़ा है, भाभी बोली हाँ यार कुछ थोड़ा ज्यादा ही बड़ा दे दिया है, लेकिन मैंने बोला कि वैसे भी इसको मतलब ठंड में पहनने के लिए अंदर तो मतलब इनर या टी शर्ट तो रहता ही रहता है, तो उसके बाद ही पहना जाता है, तो वैसे ठीक ही है, वापस करने से कोई फायदा है नहीं। तो बस सभी लाइट ऑन कर दी चारों तरफ का और इधर से उधर घूम रही हूँ, कब से जा रही हूँ पता, किचन में जाऊंगी लेकिन पता चला कि भूख मर गई इसी तरह और किचन में भी नहीं गई। और यहाँ पे मैं माँ के साथ बैठी हुई हूँ चाय पीने, और मैंने बोला था आप लोगों से कि मुझे भूख लगी है, फाइनली मैंने पापड़ को थोड़ा सा तला और सबको दिया, और यहाँ पे मैं बस पापड़ माँ को भी मैंने दिया है और गंगा सब मतलब जो जो घर में है सबको मैंने दे दिया है। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर लेके मैं बैठी हुई थी तो यहाँ गुनगुन भी खा रही है पापड़, और पापड़ के साथ उसने चाय तो नहीं लिया है, लेकिन थोड़ा सा पूजा वूजा करना, और शाम के टाइम में गौरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ये बात सही बात है। लेते जाओ प्लेट, लेते जाओ ले जाओ खा लेने। और मैं यहाँ पे पता है खटिया लगा हुआ, यहाँ पे बैठने में मजा आता है, वहाँ पे खाना बनता है, पीछे आई हैं वो जो बनाती हैं खाना, तो सबका खाना बाहर है, मैंने बताया थोड़ी सी गोभी की सब्जी बनेगी और रोटी, बस सिंपल सा, और सब लोगों का खाना बाहर ही है। उसके बाद नहाने वहाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ दिया जलाने के लिए, शाम का टाइम है तो शाम में मतलब डेली ही मैं दिया जलाती हूँ, तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि कभी मैंने शूट नहीं किया था तो बस कैमरे को पीछे थोड़ा सा लगा दिया,
तो बस यही मेरी रूटीन रहती है शाम के टाइम में ज्यादातर, तो बस तुलसी जी के पास, मतलब तुलसी जी ही हम लोग तो बोलते हैं, तो और आंवले के पास जो मतलब दीप चलाते हैं पूरे महीने, तो ये भी मैं करती हूँ शाम को। तो बस यहाँ पे इस तरीके से कुछ मैं मतलब पूजा वजा करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जो धूप होता है वो घर में ले जाके दिखा देती हूँ चारों तरफ। उसके बाद फिर नहाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मतलब पूजा वूजा करने के बाद। और थोड़ा सा पता है नहाने के बाद होता है ना कि थोड़ा सा चेहरा मतलब ड्राई जैसा हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ चेहरे पे। तो आप लोग मतलब ये शॉकिंग मत होना, लेकिन मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल क्योंकि मुझे सूट करता है वो, तो इस वजह से मैं लगा लेती हूँ चेहरे पे थोड़ा सा। और कंघी कर रही हूँ क्योंकि दोपहर भर एक बार कंघी करने के बाद फिर मुझे मन नहीं करता है, हालांकि है तो मेरा बाल बहुत छोटा, फिर भी मुझे मन नहीं होता है कभी कभी करने का। लेकिन तो बस यहाँ पे मतलब शाम की मेरी जो भी चीजें हैं वो निपट चुकी। पता है कब से हम लोग बैठे हुए थे यहीं पे, मैं भाभी माँ चाय वाय हम लोगों ने यहीं पे लिया, उसके बाद पूजा करने के बाद मैं यहीं पे बैठी हुई थी। और क्या बात है बापू, हंसी आ रही है तुमको, चाची को देख के हंस रहे हो, करती बात हंसा रहता है आजकल। पता है इसकी उससे लग रहा है ना कि इसको बातें समझ में आ रही है कि कोई बोल रहा है कोई हंस रहा है ना, है ना, है ना। और माँ पता है लेट गई हैं, कभी कभी नींद आ जाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने भाभी भी लेट हुई थी, भाभी मैं ये तो मतलब सच बात है कि रात को सोने नहीं देता है भाभी को, तो मैंने बोला भाभी से कि जाइए आप, मैं देख रही हूँ थोड़ी देर से, है ना। खाना वाना बन गया हमारा और अभी 8 बज रहे हैं, बच्चे खा भी चुके हैं पर माँ हम और भाभी तीन लोग नहीं खाए हैं, बाकी सबका खाना बाहर है। और मुझे ध्यान से पता है देख रही है कि क्या बोल रही है। और इन लोगों का पता है खाना बाहर था तो अभी जस्ट गए हैं, तो कुछ कपड़े मुझे प्रेस करने, ओहो कुछ कपड़े मुझे मतलब प्रेस करने थे और मैं यहीं पे प्रेस निकाल के रखी हुई हूँ, अभी सब हटाना है। कपड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं पता है, धोने से ज्यादा टेंशन होता है उसको, मतलब फोल्ड करके लगाना जहां जिसका कपड़ा रहता है वो, है ना, है ना, है ना। तब ध्यान से अगर नहीं देखती ना तो फिर चिल्लाने लगेगा। चलो अब थोड़ा सा बातें कर लो सबसे, सबसे बातें कर लो, है ना, चलो कर लेते हैं। थोड़ा सा स्माइल कर दो, थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। नहीं पता है एक मच्छर घुस गया है मेरे रूम में वो कब से पता है परेशान किया हुआ है कन्हैया को। चलिए चलते हैं, गुनगुन अभी खाना नहीं खाई है कब से, मांग रही थी, मैंने बोला चलो दे देती हूँ अभी, है ना। छोटे बच्चे पता है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सच बता रहे हो, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी से या फिर मतलब मुझे बचपन से ही बच्चे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं, खेलना उनके साथ, उनके से मतलब बातें करना, ऐसा लगता है वो बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना कन्हैया। और ये देखिए वो पौधा है जहां पे मैंने लाइट लगाया था, सुंदर लग रहा है ना। और यहाँ है बाहर की लाइट, खाना तो हो गया हमारा और मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि खाना खाने के थोड़ी देर बाद थोड़ा सा वॉक भी करती हूँ। और मौसम सच में बहुत अच्छा होता है, अभी का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हल्की हल्की ठंड बाहर है। और बस और ये लोग भी आए नहीं है, अभी 9:45 हो रहे हैं, ये तार की वजह से ना जैसे लगता है कि चोट लग जाएगी। और मैंने बताया था कि इन लोगों का खाना बाहर था तो सब लोग अभी बाहर ही हैं, आज थोड़ा सा लेट भी हो सकता है क्योंकि ये मतलब ज्यादा देर तक लेट बाहर नहीं रहते हैं, भैया तो काम से रहना ही पड़ता है भैया को, तो फिर ये जल्दी क्या हुआ टॉमी, वो पता है टॉमी ना उस कॉर्नर में जाके मतलब इधर उधर कर रही थी तो मुझे लगा कुछ है क्या। अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ रहता है तो टॉमी को मतलब आदत सी है, चल के मुझे देखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, मैं झूठी कर रही थी, मुझे लगा कुछ है। अभी भी वहीं पे है, आपको दिख रहा है वो व्हाइट वाला जो है ना, वो उसके पीछे घुसी हुई है। और युग मैच देख रहा है, गुनगुन सो गई क्योंकि थक जाती है आजकल, पर मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि जल्दी उठ जाती है तो दोपहर में सोती नहीं, इसकी आवाज बढ़ गई है तो इससे पहले ज्यादा ये बोली तो मैं चलिए अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।